बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा सत्ताधारी जेडीयू के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार पिछले एक दशक से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े सहयोगी की मांग को तवज्जो ही नहीं दे रही। अच्छी बात है, बिहार को जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है, और मुझे लगता है कि सभी मुख्यमंत्रियों से माननीय ललन जी को बात करनी चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सपोर्ट करें। सारे मुख्यमंत्री सपोर्ट करेंगे, चूंकि झारखंड भी मांग रहा है, उड़ीसा भी मांग रहा है, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, तेलंगाना मांग रहा है, छत्तीसगढ़ मांग रहा है, तो ये सारे मुख्यमंत्रियों के पास जरूर उनको जाना चाहिए, और वो डेलीगेशन में हमें ले जाना चाहेंगे तो हम भी खुशी से उनके साथ। संजय जायसवाल के इस बयान से जेडीयू बुरी तरह भड़क गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया कि हम सीधे प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं, इस पर छोटे नेताओं को बोलने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है, और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग कर नहीं रहे। हाँ, उस समय उन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव में समर्थन किया था। आज अगर उस प्रस्ताव से वो असहमत है, उनकी सहमति नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि हम इनकी मांग से सहमत नहीं है। जैसे हम राजनीतिक दल के रूप में मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर सहमत नहीं है तो एक राजनीतिक दल के रूप में वो ये कहें कि हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग से सहमत नहीं है। इधर विपक्षी दल राजद का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों आपस में मिले हुए हैं और जनता को भ्रमित रखने के लिए एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहते हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाना कभी एनडीए के एजेंडे में था ही नहीं। अरे भैया, अरे उनके घर में मेरा क्या काम है? ये वो दोनों पार्टनर है, मिली कुश्ती है या क्या है, समझा के नहीं? ये तो बेहतर वो दोनों पार्टनर बताएंगे वस्तु स्थिति क्या है। बिहार का नुकसान तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से हो रहा है, बिहार का नुकसान तो जो है बिहार जिस कतार में खड़ा है उसको जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस पर स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत थी, मगर जो इनके पार्टनर जो राज कर रहे हैं केंद्र में, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो सचमुच में अगर हम हितैषी हैं तो जो लोग भी विशेष राज के दर्जा के हिमायती हैं उनके साथ एकताबद्ध करें और उनको छोड़ें। नीति आयोग ने भी हाल ही में ये माना था कि विकास के कई पैमानों पर बिहार देश के बाकी राज्यों से पीछे है। अब इस पिछड़े राज्य को आगे कैसे ले जाना है, इसका फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। पटना से समाचार प्लस के लिए एसके राजीव की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।